गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बड़ी खराब है, रात को खराब हो, बुखार की तरह हुआ और अभी सर दर्द इतना जोर से बड़ी फटा जा रहा है यार, संभाल ही नहीं पा रहे सर को। मैं चलो दवाई खाया और मेडिकल ले गया था, डॉक्टर का इंक्वायरी हो गया, मतलब ये क्यों आओ आओ हुआ। फिर जाके पता चला ब्लड टेस्ट किए तो भाई अपने तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ नहीं है। बस यार ये जो कंटिन्यू वर्क नो रेस्ट और तनाव में जाके उड़ी मारना गाँव में तो भाई मजा आता है ना, तालाब वगैरह में नहाने के लिए, तो वजह से थोड़ा ठंडी पकड़ लिया था। लेकिन चलो अभी तब तक थोड़ा बेटर लगा, तो गाड़ी पकड़ के बाइक पकड़ के निकल आया हूँ। दमाग पिट का हालत थोड़ा घूम फिर क्या जाए, क्योंकि क्या होता है हम सोए रहेंगे ना तो तबीयत ज़्यादा खराब लगता है, इसके लिए सोचा थोड़ा घूम फिर क्या जाए। अभी बैक टू पैवेलियन, अब घर पर रिटर्न जा रहा हूँ और जाने के टाइम एक दोस्त की बगीचे से दो चार पेड़ मांग कर आया। इधर है दो चार पेड़ छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्लावर का, जो अपना गार्डन के लिए, मेरा गार्डन के लिए, अपना नहीं मेरा है। और आप लोग कैसे हो सर? सर चिकुर भाई जो छुट्टी में गया था वो आ गया, कल से वो ड्यूटी वापस आ गया है। मैं काम धाम तो चल रहा है और गुजा काशी जी ने आ गया, मैं तो एक शॉपिंग मॉल का बैक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ऑफिस में दिखाऊंगा आपको एक बार, मॉल के अंदर घुमा दूंगा आप लोग को, ऐसे रेट है, कलेक्शन अच्छा है। बनाएंगे कभी एक दिन ब्लॉग, ब्लॉग बना देंगे अपना। वो हमारा दो जो हमने जो काम करा उसका दो स्टोर है, एक है मेरे यहाँ पे अनगुल और एक है जाके तालचेर में, तालचेर हाँ तालचेर। आप लोग को दोनों दुकान का एक बार ब्लॉग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बनाऊंगा कि सामने वाले को पता ही ना चले, तब जाके मजा आएगा ना, बताऊंगा आप लोग को। और भाई परेशान को परेशानी तो घर पे लगा रहता है, इंसान अगर किसे बोला जाता है ना कि ये शरीर है तो बीमार भी है, बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और खुशी है तो भाई परेशानी भी है। जैसे कोई बोल रहा है घर वाले शादी कर ले बेटा, हाँ ऐसे साला एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, लड़की नहीं मिलता है ब्राह्मण में, और सारा बोलता है सब शादी कर ले बेटा साले, बोलते जाने तो सॉरी हो दोस्तों, अब ये बोलते हो लेकिन अपने सब बोलते हैं ऐसे, कोई अपने बाप बेटी दे दो देते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो। और दोस्तों बाकी ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया ये फिलहाल प्लॉट फॉर सेल में लगा हुआ है, ये देखो प्लॉट फॉर सेल है, हुआ सेम लाइन लिखा हुआ है यार, अच्छी बात है।
एरिया अच्छा है भाई के पास, तो अभी फिलहाल इतना पैसा भी नहीं है, प्लॉट ले ले। ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ये क्या पूरा एरिया ही खरीद लेंगे। बस होना चाहिए आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिलते रहेगा तो इतना एरिया क्या पूरा गांव ही खरीद लेंगे। बस आप सबका सपोर्ट मिलना चाहिए दोस्तों। ये देखो यहाँ पे मिल रहा है पानी पूरी, इस चीज को खाना है आधा और टन टन टन। चलो अगर भूख लग रहा है जिन पे टाइम कितना हो गया, 12:30 हो गया है। खाने के लिए आज एक दिन लंच टाइम तो दो घर में ही खाएंगे, टाइम तो मिलता नहीं है। अपना किसी पीढ़ी जिंदगी का जो हो तो सबको लाया जाएगा। नहीं मैडम जी, किसका इंतजार कर रहे हो? अरे इंतजार नहीं बैठवा, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पी रहे क्या? ठीक है, पियो पियो। आप ये जो रोड देख रहे हो ना, दिन में तो इतना पेड़ पौधे है, रात में तो खतरनाक रूप ले लेते हैं भाई, क्योंकि लाइट तो एक तो रोड पे है नहीं, लाइट तो नहीं है, ऊपर से अंधेरा कायम रहे। भाई ये जो चौक फिलहाल आ रहा है ना, ये चौक यहाँ पे भी हाट लगता है, सब्जी मंडी। और ये सब्जी मंडी है सिर्फ बुधवार के दिन, वेडनेसडे। वेडनेसडे वेडनेसडे के दिन यहाँ पे लगता है। अभी चलो घर पे, टन टना टन 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 टारा चलती है क्या? 9:12 ये तो रेत रोड की साइड पे डाल के रखते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है भाई, बाइक का टायर वगैरह बहुत स्लिप करता है इसमें। भाई आपको मैं अपना एक ब्लॉग में दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, कि मेरा जो ब्लॉगिंग बना करने के लिए जो हेलमेट का जो सेटअप है, माउंट होल्डर वो आ गया था, लेकिन मेरा ये जो ओपन हेलमेट है, ओपन हेलमेट मतलब लेडीज हेलमेट की तरह है, तो इसमें वो सेट नहीं हो पा रहा है, तो और एक हेलमेट में ऑर्डर किया हूँ, जैसे ही आ जाएगा उसमें उसको फिटिंग करके ब्लॉग बनाएंगे। अभी चलो ये क्या लेके जा रहे हैं, मोबाइल के साथ पानी का बोतल? पानी 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 हो गए हाय हाय। ये क्या चल रहा है, दुनिया बड़ी सुहानी, मौसम है हरा भरा, आगे भी कुछ बोल दे ओ मेरे प्यारा, तालाब में है पानी। अरे कोई कुछ भी बोलो यार, चपर 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 लगे रहो।
मोबाइल में ब्लॉग बना रहे हैं ना? हाँ हाँ, रुको रुको। देख रहे हो खेती बाड़ी, हरा भरा अच्छा लग रहा है। और भाई, अरे वाह, अच्छा अच्छा बकरियां तो है दोस्तों। पार्टी पार्टी कितना किलो का है, नोट किया जाए इसको, कितना किलो का निकलेगा? अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, आज एक दिन तो रेस्ट कर लिए थोड़ा बहुत, शाम को भी घूम फिर के ब्लॉग बनाएंगे। जिस दिन रेस्ट मिला उस दिन फुर्सत टाइम लग जाओ ब्लॉगिंग बनाने के लिए, फोटो ब्लॉगिंग। ये क्या दोस्त लोग बैठ के बंक मार रहे हैं? हाँ बंक चल रहा है, रुको रुको। ये जो एरिया देखो ना, ये एरिया भाई रात में तो यहाँ पे हाथी आके बैठ जाते हैं, और ये जो पेड़ वगैरह है इसलिए पता भी नहीं चलता है इस झाड़ियों के अंदर सारा हाथी या क्या है। मैं दो बार देखा हूँ यहाँ पे, आमना सामना हो गया है मेरा हाथियों के साथ। लेकिन चलो, माँ के आशीर्वाद है, जय सब जय सब बोल के लग जाते हैं अपना काम पे। अभी तो मिल रहे सब भगवान का चलो आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद है इसके लिए भाई, जितना बच जाते हैं। अभी तो मालूम है आप लोग को, शायद पता होगा कि नहीं पता नहीं, जस्ट दो दिन पहले मेरे गांव के पास वाले गांव में एक आदमी अपना सुबह सुबह बाथरूम करने के लिए खेत में चला गया था, आने के टाइम उसको हाथी ने पकड़ लिया। भाग तो भाग नहीं पाया, जो हाथी मतलब खेती के बीच में क्या, खेत के बीच में भागने के लिए उसको नहीं हुआ तो हाथी पकड़ लिए, उसके पैर को कचुम्बर बना दिए हैं, ब्लीडिंग उसको मेडिकल लेके गए थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, मेडिकल लेके गए थे। लेने के टाइम रास्ते में वो स्टार्ट कर गए। लेकिन भाई अभी अभी मेरे यहाँ एरिया में ये जो 6 मंथ में हाथी का आक्रमण में कम से कम 55 पब्लिक मर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन नहीं है। बहुत बुरी बात है यार, अभी अगर इलेक्शन की टाइम पे होता ना तो साला कुछ पक्का कुछ ना कुछ हो जाता, एक्शन एक्शन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन क्या करे, कौन ध्यान दे रहा है, सरकार क्या कर रहा है? अरे भाई अगर तुम लोग से कुछ हो नहीं पा रहा है तो पब्लिक को छोड़ दो, 1 महीने के लिए पब्लिक को छोड़ दो, मैं गारंटी दूंगा हाथी एरिया क्या मतलब पूरा एरिया से ही खाली हो जाएगा हाथी का नाम निशान मिटा देंगे पब्लिक। भाई 55 पब्लिक मतलब 55% मतलब कम नहीं है, इतने जन मर चुके हैं, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन नहीं है, पता नहीं चला मतलब। हाँ अभी देखो जिससे बोलेंगे हाँ उसने पैसा दिया, हाथी लोग तो पैसा नहीं देंगे, क्या बोलेंगे, तू कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पता नहीं। अभी अगर दूसरा कोई इंसान अगर कोई हाथी को मार दिया ना तो पहले ह्यूमन राइट वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन हाथी इंसान को मार रहा है तो उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसका,
यहाँ से चल होता है आपका भाई भाई का गाँव, देखते जाओ। देखिए ना दोस्तों, मेरे गाँव यहाँ से स्टार्ट है, बहुत कंजेस्टेड है। मेरे गांव तो दो बड़ा गांव है, छोटा गांव भी नहीं है, दो पंचायत है मेरे गांव में, दो डेसी डिवाइड हुआ है ऐसे बोलते हैं ना, कुछ छोटा छोटा गांव मिला के एक पंचायत होता है, लेकिन एक गांव में दो पंचायत है। मतलब कितना गांव में कितना बड़ा है और कितना पब्लिक है वो आप लोग सोचो। दोपहर के टाइम है, दोपहर टाइम है, गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया, क्योंकि बेटा एक बजने को आया। मेरे गांव में तो स्पीड ब्रेकर तो बहुत दिया हुआ है, कोई अगर सोच गया इसमें स्पीड में भाग जाऊंगा ना तो बेटा फटके उसका हाथ में आ जाएगा। ये जो अभी लिफ्ट मांग रहा था वो एक नंबर का बेवड़ा, पहचानता हूँ मैं इसको अच्छी तरह से, अभी भी पिया हुआ है वो, इसके लिए मैं उसको लिफ्ट नहीं दिया। भाई दारू पी के बैठे गाड़ी में वो गिरेगा तो अपना आयल तो लग जाएगा। दीप महाराज साइड दीजिए, बहुत बहुत मेहनत लगता है भाई इसमें। ये जो टेम्पल है ये अपना गांव का जगन्नाथ मंदिर है, पापड़ी में एक वेच निकले आए हैं। चलो घर पे, अपना मोहल्ले का अपना गली है ये, अपना गली है। ये देखो ये है सांड नंदी महाराज।